ओ हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ओ हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, ओ हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ये गोरे काला तंदाना, ये रेशमी वाला पंदाना, ये 16 साला तंदाना, ये तेरे खयाला तंदाना। वैसे तो मेरी सासू को कारो आदमी पैदा है वही बुरी बात है, पर जा में मेरी का गनती है जे तो भगवान के दई वही कलर है, चाहे कारो कदे चाहे गोरो कदे, तो मेरी सासू को आदमी भूरे ही के पीछे भाजत वह कारे कोई ना पूछ जी। मेरी सासू की कोई बात ना है भाई, जा ऐसी सड़ी गर्मी में मेरी सासू को भूरो आदमी तो कारो पच जातो है, पर कोई बात ना, मैं तो कारो ही हूँ, मैं तो भगवान ने पहले ही कारो बनाए के भेजा, वो कोई चिंता ना है। उरे गधड़िया काहे गोरे कैसे यहाँ पे रोए तू? मेरी सासू को मेरा बाप मोए मारे मेरे को भाज रहा हूँ मैं पीछे। चोरे कागो कड़ी खाओ कहाँ तो बग्गो? उरे गधड़िया आएगा तेरे पापा झूमे आए गए। तू मेरी सासू को कोई काम धंधो ना करना हो तो घर में मत घुस जाइए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। का काम करूँ का मत जाऊँ मैं तुम्हारे कहे पे? दुनिया घर में बैठी है गर्मी के मारे और तुम्हें काम की परी है। हमने मेरी सासू के दुनिया एसी में बैठी है, कोई काम धंधो थोड़ी कर रहा हूँ। काहे तुम डोकर मेरा खून पिए ले रहे हो? जब मैंने तुम्हें तो कह दई है गर्मी गर्मी मुँह पे कछू ना है पावे हो, मैंने तुम्हें तो पहले ही कह दई जा सड़ी गर्मी में मुँह पे कछू काम ना होगा, मैं ना करूंगो ना करूंगो ना करूंगो, मुँह पे ना है रो कछू काम। तो मेरी सासू के घर में मत घुस जाइयो, हराम की ऐसी रोटी तोरे बेकू। रोटी ना खाऊंगी तो का डोकर भूखो रहूंगा मैं। रोटी का तो ही अम्मा धरे गई है मेरी सासू के। और का तुम बनाए के खवा तो रोटी अम्मा ने खवा तो को खवाते हैं मुझे? तो मेरी सासू के कमाई तो तू मेरी खाए रो है। तो तुमने मोकू काय को पैदा करो, मैंने कही तुम्हें तो पैदा कर देगी। तो मेरी सासू के तो को हराम कैसी रोटी तोरे बेकू पैदा करो के काम धंधे को पैदा करो मैंने? मुँह पे ना हैरो कछु काम पाओ, जाओ घरे चुपचाप, दोस्तन के सामने में बेइज्जती मत कर करो। मेरी सासू के दोस्त तो वे मारू ते दोस्तन मारू। अरे चाचा मुँह छोड़ दो, मैंने तो कछु ना कही, मुँह कहीं मारोगे? अरे मैंने मार दो तो ऐसे चिल्लाए लगा तू पहले तई। अरे ना चाचा मैं डरा पोगा, मैं कहा पता तुम मार भी लग जाओ वाल मुए। हमने मेरी सासू के बिल्कुल पागल पागल ही समझ रहो दीखे मुए। जाए रहू मैं मेरी सासू के, अगर तो कोई काम धंधो ना करना हो तो घर में घुस मत जाइयो, तो बताए के जा रहा हूँ। चौना आऊंगो घर में, फिर कहाँ जाऊंगो मैं, घरे ना आऊंगो तो मैं बड़ा बूढ़ो है वो मेरी सासू के, तो जवान कर दो मैंने, तू काय काम को लेकर काम को ना लेकर हो तो फिर काय को मोकू घर में रख रही हो, भजाए दो मुए। तो मेरी सासू के तो भजाए तो दो मैंने, और कैसे भजाऊ, बेशरम बन के घर में घुस जा तो का तू? बेशरम बन के कहा घुस जा तू? घर में मेरो घर ना है, मेरो हिस्सा ना आएगा कहने पैदा करके लगाए दो मेरी सासू के, जो तेरा हिस्सा है वहां। जाए रहा हूँ घर में सासू के, झाक मत जाइए घर में, पलंग घर में झाकूंगा तो टांग धो दूंगा तेरी, बता रहा हूँ। तू लठ रख धर रहा को मैंने तेल लगाए के, तुमने लठ तेल लगाए के धल लो तो जब मैं क्या करूँ? वो तो तुम्हें बेटा मालिम पच जावे ही, तू जब घर में आ गए हो तब। हाँ जाओ तुम, मैं ना आए रहो घरे, मेरी सासू को ऐसा का जी भी है फायदा है मेरे, जाते तो बढ़िया मर मरा जाऊँ कहूंगा, सो सही है। हाँ तो मत जा मेरी सासू के, तू जी के का करेगा, धरती पे बोझ बनो परो है। अब तुम जा रहे हो कि ना डोकर, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाए तो रहूं पर झाक मत जाइए घर में, बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है जाओ, ना आऊंगा मैं घर में, देख ले कौआ जे इज्जत रह गई है मेरी घर में। अरे मेरी सासू के गधड़िया, तेरी इज्जत तो बिल्कुल ही सिंटे गई घर में थे। अब क्या करूँ मैं तो बड़े परेशान है कोई, ये डोकर मुझे चैन तो जीन ना दे रहे। जब मेरी सासू के तेरे पापा कह रहे हैं तो काम की, तो तू कत चोना ऐसा ठलुआ चो डोन तो है तू कौआ। मेरी सासू को उन तो बोल लो मुझे, उन तो का बोल लो मुझे? देख कौआ मेरो वैसे ही मूड खराब है, तू बहुत ज्यादा दिमाग खराब मत करे मेरो। दिमाग खराब करके क्या कर रहे हो, गर्मी पड़ रही है दुनिया भर की। अरे गधड़िया तू ऐसा कर, गर्मी तो पड़ी रही है, आम को सीजन है, तू आम को काम कर ले। आम को का काम कर लूं? ए मेरी सासू के आम की ढकेल भकेल लगा ले, खूब सीजन चल रहा है। मैं तो सही बता। देख गधड़िया मैं तो गंत ना बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। चल तो फिर ठीक है, लगाते हैं। चलो तो फिर चूरे वाले को मेन सुनिए, गधड़िया के बाप ने गधड़िया गत्ते वाले लिखा दो है। लिखा दो होएगो तो हमें का मालूम, वैसे वो आ रही है वो बहुत मेरी किस्म गधड़िया को गत्ते वाले लिखा दो भूप सिंह चाचा ने। अरे मैं सवे सवेरा लोटा लेके जा रहा हूँ टट्टी करवे, सो भूप सिंह पीछे पीछे भजत जा रहा हूँ, गधड़िया आगे आगे भाजत जा रहा हूँ, और भूप सिंह भाई गा रही वगैरह हूँ। तो जाको मतलब गधड़िया को गत्ते वाले लिखा दो, ठीक है? सही है मेरी सासू को गत्ते वाले लिखा दो, कुछ काम धंधो ना कर तो पूरे दिन ठलुआ गुंडा गद्दी करते रहे तू है। तो मेरी सासू के और वो करेगो का, जब वो पैदाइशी गुंडा है तो गुंडईगिरी करेगो, और का करेगो? मेरी सासू के तू मालूम ना शेर काय के लिए पैदा होता है? तो मेरी सासू के बुका शेर हुआ, वो तो अपने गाँव का बालक हुआ है।
अरे मेरे कहने को तो कोई मतलब हुआ, पर मैं जी कह रहा हूँ कि वो शेर की तरह दहाड़त हुआ। जब गदड़िया दहाड़त तो ना है तो अच्छे अच्छे ने की हवा लिखा दे तू। हम बे मेरी सासू को दो एक आध दफे तेरी हवा लिखा दे दी क्या माने? जो मेरी जो हवा लिखा रहे हो मेरा तो यार हुआ वो। जो बोर में तो एक ही स्कूल में पढ़ के बड़े भाई है, मेरी जो हवा लिखा रहे हो वो। बाबा बहुत गर्मी पड़ रही है, पेंशन के पैसा मिन तक आए उनमें से कछु मंगा लियो, कछु कच्चा पानी कर लियो। हम बे मेरी सासू के बहुत लंबी चौड़ी पेंशन मिल रही है, मोसो कच्चा कद्दू तेरे ताई। अरे ना है बाबा, कर लो एक फ्रूटी की बोतल ही मंगा लो ऐसी गर्मी में। और तुम्हारा नाम है जा रहे हो? नाम है तो वो का कन्नो, नाम कन्नो ही है। तुम फिर मेरा ब्याह ब्याह कराए थे, मेरे नाप की कोई छोरी हो तो तेरी नजर में। हम दे बाबा सही कह रहे हो, कल परसों तो तुम्हारी पुआ है भाई, ऐसे तुम्हारा ब्याह होगा। मैं बड़ा बूढ़ा बता रहा होगा, मेरी सास के ढाई भाई लगाए के अभी तू तो अच्छा लगा तू में। अभी तुम वो ब्याह कन्नो है अपनो, अभी कैसे मत जाऊंगो मैं। अगर तुमने बाबा ब्याह कर लो तो समझ लो 4 दिन ना जी पाओगे, तुम मत जाओगे पहले ही। और बाबा तुम मर गए तो मेरे तो मजे रह जाएंगे, मुझे तो कुटुआ खाए मिलेंगे। जी लठिया दिख रही है मेरी सासु के, जी चांद पे दो बार धरे डुल लो, एक लठिया में दोनों बार गायब कर दूंगा तेरे। उरे बाबा ना ऐसा मत करियो। ना मेरी सासु को हम तो कह रहे हो बड़े बूढ़ो, खावे पुआ ले खा ले। आम दशहरी आम दशहरी, खट्टे मीठे आम दशहरी। आम ले लो चीनी से ज्यादा मीठे, 40 रुपए किलो आम, 40 रुपए किलो। उरे उरे उरे, ये तो अपने गदड़िया है जी का बेच रहा है। मेरी सास के बिल्कुल फूट गए थे, देखना है वो आम बेच रहा है। उरे भैया मेरे, आम खाए को तो मेरा बहुत मन कर रहा हूँ, तुम्हें 3 दिन आते। अब तो गदड़िया बेच रहा है आम, अब कोई चिंता ना, फ्री में ही आम खाए मिलेंगे। हम भी मेरी सास के तुम्हें बांट बेगू तो लाए होंगे आम। जो आपस को आदमी है तू हमें मोल दे मेरे को। जो मंडी में तो फ्री में आ रहे हैं काज, सो तुम्हें फ्री में दूंगा। आगे आगे 40 रुपए किलो भरो दशहरी, 40 रुपए किलो दशहरी आम, 40 दशहरी आम 40। काहे को बाबा लगा रहे हो गदड़िया, जा सुन तो लिया मैंने। तो मेरी सासू के तेने ही तो सुन ली, और गिरा करने है तो आंधे घट्टे वाले करके। कोई यहाँ पे तो घट्टे वाले करके आ गए हमारी सेवा। चटोरा बाबा 40 रुपए किलो आम बेच रहे हो गदड़िया, 1 किलो आम ले लो। मेरी सासू के मुँह पे का पैसा बन नहीं है। ए बाबा खर्चे कर ले पैसा, छाती पे धर के ले जाओगे का? छाती पे धर बेकू का हता है, मुँह पे तो धर के ले जाऊंगा छाती पे मैं। मेरी सासू को मैं यहाँ पे ब्याह को पैसा जोड़ रहा हूँ। बाबा ब्याह तो जब ही होगा, जब तुम्हारे शरीर में जान होगी। आम पाम खाए के बॉडी बना लो। जो तू बॉडी कम लग रही है मेरी। बाबा ले लो 1 किलो आम, 35 रुपया के लगा दूंगा। सब सवेरे बोनी को टाइम है, बोनी करनी है, 5 रुपया कम कर दूंगा तुम्हारे से। 5 रुपया तो कम कर देगा, पर 35 रुपये तो हो मुँह पे आज 35 पैसा तो उतना है। देख ले चटोरा बाबा की तो चाल आके पेंशन आई है, तो चुपचाप धर ले जेब में 35 रुपया ना खर्चे कर। तू मेरी सास के पागल बुद्धि के से खोपड़ी काय मार रहा हूँ, मैंने तो कह दी वो पैसा हाथ ना है। पैसा ना है तो ब्याह कैसे करोगे, फ्री में ब्याह करोगे? जो पैसा चो ना ब्याह को तो मुँह पे खूब पैसा है। अरे आम भरो 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो हो गया सस्ता आम, 40 रुपए किलो दशहरी आम 40, दशहरी आम 40। मैं लेके आ रहा हूँ अपनी मम्मी का 35 रुपया, मैं लूंगा 1 किलो आम। गदड़िया कहूँ चाहिए बतिया भाई। ठीक है जल्दी लेके आइए, ज्यादा देर न रखूंगा मैं। तो भैया जी तो चलोगा तुम कहूँ मत जाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक, और भैया हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।